क्या हुआ? लगता है पंचर हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरे ऑटो से चला जाऊंगा, तुम पैसे बताओ अपने। अरे साहब आपसे कैसे कैसे, आप तो देश की सेवा करते हो। अरे तुम पैसे नहीं लोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, ये लो रखो। नहीं सर। रखो कोई बात नहीं। तरुण ऑटो, तरुण इस दुनिया में जब किसी की गर्लफ्रेंड अचानक उसके सामने आ जाए तो उसके साथ बिताया हुआ हर पल रिवाइंड होने लगता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। जाने मेरी ये, मैं तेरा हाँ, हाँ जी तेरा तू कर ले यकीन, मैनू प्यार बस तेरे नाल, हाँ जी तेरे नाल वख ना करी, तू ही मेरी दुनिया जहान वे, ओ तेरे बाजो कोण है मेरा है, वेखा तेनू। हाँ जी, तो कैसा हुआ पेपर? पेपर तो एकदम मस्त हुआ, जो पढ़ा था वही आया। ये तो टू गुड हो गया जी। हाँ चलो कुछ खाने चलते हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे पता था तुझे भूख लग रही होगी, इसलिए घर से तेरे फेवरेट आलू के पराठे लाया हूँ। हाँ सच्ची? हाँ जल्दी दो ना, फिर पराठों का नाम सुन के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अब क्या है, खड़े खड़े खाएगी, चल कहीं बैठ कर खाते हैं। हाँ चलो। दे आपने फोन दिखाना, मेरा फोन बंद हो गया है। ये ले। क्या हुआ? तुम अपने वॉलपेपर पे हम दोनों की फोटो क्यों लगा के रखते हो? तू एक बात बता, फोटो लगा कर रखने का कोई रीजन होना जरूरी है क्या? बस तुम्हें साथ देखकर अच्छा लगता है इसलिए लगा के रखता हूँ। चलो फिर एक सेल्फी लेते हैं। चले अब चलो। कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं। और बता वर्षा कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। और बता क्या कर रही है आजकल? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम फौज में कैसे और कब? मैं फौज में कैसे, ये तुम पूछ रही हो? ठीक है जी, अब कल आ जाना बेटा। वर्षा जी। पापा। बेटा कल तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। पर पापा एक बार मुझसे पूछ तो लेते इस बारे में। अरे इसमें पूछना क्या है, मैं बाप हूं तुम्हारा और बेटा लड़का बहुत अच्छा है। पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। देखो बेटा मैं उन बापों में से नहीं हूँ कि तुम्हें मार पीट कर इस घर में बंद कर दूंगा। अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करोगी ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। नहीं पापा नहीं, मैं आपको दुख देके कभी खुश नहीं रह सकती। आप जहां चाहोगे मैं वहीं शादी करूंगी। क्या हुआ वर्षा, अचानक से बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तो फिर तरुण आज के बाद हम नहीं मिल सकते।
मुझे भूल जाओ। होश में तो हो तुम, क्या कह रही हो, पागल वागल तो नहीं होगी हो? तरुण, मेरी शादी तय हो चुकी है। क्या? और बड़सा मेरा क्या, एक बार मेरे बारे में तो सोचो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। नहीं बड़सा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती बड़सा। तरुण मुझे माफ कर दो। तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बताओ तरुण। मैं भी वही करता जो तुमने किया है, क्योंकि वर्षा इस दुनिया में ना हमारे माँ बाप सबसे पहले हैं, और उनको दुखी कर कर ना हम कभी खुश नहीं रह सकते। अपना ख्याल रखना। तेरे युद्ध मरते हाँ, प्यार तेनू कर दे हाँ, तेरे कोलो डर दे यार मेरे, मैं छटे आज तेनू, खुदा करे मैनू, खुदा करे टुकड़े हजार मेरे। अरे छोड़ो पुरानी बातों को, तुम ये बताओ तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? जिससे तेरी शादी हुई है वो तुझे प्यार करता है या नहीं? हाँ करता है, बहुत करता है। ये चोट का निशान कैसा? ये तेरा हाथ कैसे जला हुआ है? किससे बात कर रही है? मम्मी का फोन था। बुराई कर रही है मम्मी ते? हैं? तो फिर? फोन की थोड़ी तबीयत। बात सुन, आज के बाद अगर तेरे हाथ में फोन दिखाई देगा ना तो फोन है बाद में तोड़ूंगा, पहले तेरी दही तोड़ूंगा, ठीक है? चल खड़ी हो ले और चाय बना के ले। कहाँ से आ रही है तू? आप इतना जल्दी आ गए? ये तेरे बाप का घर है जो तेरे से परमिशन लेके आऊंगा। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तेरे से पूछा है कि तू कहाँ से आई है? मैं मम्मी से मिलने गई थी। मैंने तेरे को हजार बार बोला है ना, मेरे से बिना पूछे घर से बाहर मत जाया कर, तेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगी, है ना? चल तू अंदर। चल खड़ी हो, रोटी बना ले खड़ी हो के। ना सुनी? अरे तेरा रोना धोना होगा तो खड़िया का रोटी बना ला। वो तुम्हारे साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करता है और तुम चुपचाप सह रही हो। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। डिवोर्स दे दो उसे, क्या फायदा है ऐसे आदमी के साथ रहकर जिसे तुम्हारी बिल्कुल भी कदर ना हो।
डाइवोर्स देख के मैं अपनी फैमिली पे बोझ नहीं बनना चाहती तरुण। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम डिवोर्स दो तो सही, मैं तुम्हें किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगा। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तरुण तुम्हें अब भी मेरी याद आती है? भले ही तुम मुझसे दूर हो गई थी पर मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाया। मैं करती भी क्या उस टाइम, मेरे पास शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वर्षा छोड़ो इन बातों को कर क्या फायदा। मैं एक महीने के लिए यहीं हूँ छुट्टियों में। तुम्हें कोई भी परेशानी हो या वो तुम पर दोबारा हाथ उठाए तो तुम मुझे बता देना और मैं तुमसे मिलता रहूँगा। वर्षा, वो ये तरुण है मेरे स्कूल फ्रेंड, और तरुण ये मेरे हस्बैंड है। मैंने पूछी तेरे से, और तू ऐसे छुपकर किसी की बीवी को गले नहीं लगाया करते। सॉरी, फौजी है, छुट्टी आया, जाके परिवार को टाइम दे। और तू घर चल। ये वही तेरा पुराना आशिक है ना, मेरी पीठ पीछे तू रंगरेलिया मना रही है, उसके साथ गुलचर्रे उड़ा रही है। आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हो? मैं गंदा बोल रहा हूँ? मैं गंदा बोल रहा हूँ? कोई इंसान दुख दर्द और मारपीट सहने के बाद भी चुप है तो इसका मतलब ये नहीं वो कमजोर है। वो इसलिए चुप है, वो रिश्ते बचाना चाहता है। और तेरी तो हमेशा इसने सेवा ही की है, हर एक वो फर्ज निभाया है जो एक बीवी से एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आज मैं इसे इस हाल में छोड़ गया ना तो मैं जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो वर्षा। मेरे उत्ते मरन लई दुनिया ने जदो मैनु छड़ता सी उदो मेरे नाल खड़न लई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।